बस क्या बात है निदा, ये मैं बताता हूँ इस शो से आपकी इमेज टोटली चेंज हो जाएगी। आप दुनिया के स्मार्ट तरीन लोगों में आ गए हैं। सोनिया लगाएं भाई, सोनिया बताएं क्या है। बहुत आसान है यार। क्या बहुत आसान है? यस बहुत आसान है ना सोनिया, इससे हलवा कुछ नहीं हो सकता यार। ओह यस आई गॉट। सोनिया चश्मा हटाएंगे तो समझ नहीं आएगा, चश्मे की गेम है सारी। अब बताओ सोनिया। सोनिया क्या है, जोर से बोलो। ये दूसरा क्या है? तुम पहला बताओ पहले। बताओ क्या है। हाँ सोनिया पहला क्या है? ओ हाँ ओ से कौन से मुल्क होते हैं? ओ से तो बड़े मुल्क होते हैं, दूसरा क्या है? क्या एक वुमन होती है, दूसरा क्या होता है? खुद पे यकीन नहीं आ रहा कितना आसान कैसे मिल सकता। एक बूस्टर सोनिया बनता है, हमने बहुत हेल्प। बिल्कुल नहीं बनता, मैंने खुद नाम लिया कंट्री का। क्या तो ये नजर का टेस्ट थोड़ी हो रहा है? ओ से तो बहुत नाम बनते, अगले वाला क्या है? तो हमने बताया तुम्हें। नहीं तो सिर्फ शक्ल थोड़ी बना, मैन बनाना होता है। अब जो तुम्हारे दिमाग में मैन चल रहा है वो तो नहीं हम बना सकते स्क्रीन के ऊपर। पहले पहले भी ये सेम चल थी, वो जेंटलमैन था है। अच्छा सोनिया के लिए दूसरा दूसरा दिखाइए क्या है पहली हमारे पास। सोनिया लगाएं चश्मा। Oh, very easy यार। सोनिया got the easiest one। That's true। सोनिया तो जापान। सोनिया सोनिया के लिए और तीसरी तस्वीर दिखाइए सोनिया के लिए। Oh, this is tough। बहुत आसान है ये। Really? बहुत आसान है ये। ये अमीबा है क्या ये? इतनी डिटेल में नहीं जाना सोनिया। नहीं अच्छा। अमीबा क्या चीज होती है? आ गया? क्या है ये? क्या है ये? टीवी है सोनिया। ओह वेरी इंच का टीवी। ये जर्म है। हाँ और आगे? जर्मनी। जर्मनी यार सबसे आसान सोनिया को है ना, सबसे डिफिकल्ट एक्चुअली इनको मिले। सबसे डिफिकल्ट आपको मिले हैं। तालियां बजाएं क्योंकि आयशा तो बचपन से जीतती आ रही है। ठीक है सोनिया को आसान मिले, अमर हार गई है, तो मेरे ख्याल में इस गेम की विनर जो है वो निदा। क्या बात है कमाल। Congratulations to the winners। सब लोग बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन अभी बहुत सारी मुश्किल गेम्स बाकी हैं। अगर आपको लग रहा है कि गेम्स यही हैं, तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, बहुत ही धमाकेदार गेम्स अभी बाकी हैं। जाते जाते एक शेर अपनी दूसरी किताब से आपको पेश करता हूँ। किताब का नाम है पब्लिशर की मौत, और अर्ज किया है कि निकल रहा है दम मगर उग रहे हैं बादाम, निकल रहा है दम मगर उग रहे हैं बादाम, ब्रेक पर जाने वाले तुझे यासिर हुसैन का सलाम। आप ये शो तो देख रहे हैं, लेकिन आप साथ साथ देख रहे हैं इन हसीनाओं को, पाकिस्तान के इन बड़े नामों को, इन डीवास को, जिनके बारे में नुसरत अली खान साहब ने क्या खूब कहा है, हुस्ने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, आफरीन आफरीन आफरीन। जी हाँ, आज ईद का दिन है, और ईद के दिन हम बहुत खुशियाँ बांटते हैं, बहुत मज़े मज़े के खाने बनाते हैं, दावतें करते हैं, ये सब कुछ कीजिए, बहुत अच्छी कुकिंग कीजिए, मगर एक चीज़ याद रखिए कि वनस्पति और कुकिंग ऑयल में बने खाने आपके घर वालों के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, क्योंकि ये ना सिर्फ मज़ेदार होते हैं बल्कि इसमें होता है विटामिन ए और D3। अब मैं बताता चलूँ आपको कि आइंस्टाइन ने सिर्फ 45% दिमाग यूज़ करके दुनिया को हिला दिया था, जबकि हमारे पिछले सेगमेंट में हमारी इन डीवाज ने आइंस्टाइन को भी पीछे छोड़ दिया है। और देखते रहिए आगे क्या क्या बाकी है, क्योंकि आगे ये इंटेलिजेंस के नए नए बेंचमार्क सेट करने जा रही हैं। और हमारी जो अगली गेम है दिमाग की घंटी, उसको खेलने से पहले एक छोटा सा ट्विस्ट मैं लेकर आया हूँ, वो ये है कि एक और टेस्ट होगा कि ये उस गेम को खेलने के लायक भी हैं कि नहीं, और उस टेस्ट के अंदर हम इनसे कुछ बहुत सच्चे सच्चे सवाल करेंगे, और उसके सच्चे सच्चे हमें जवाब चाहिए होंगे। वो एक एक सवाल है छोटा छोटा। अच्छा सवाल जो है वो बहुत मजे के हैं। सबसे पहले हम सवाल करेंगे अमर से। अमर आप एक फिल्म डायरेक्टर हो तो इनमें से किसको हीरोइन कास्ट करेंगी, सोनिया हुसैन, आयशा, उमर या निदा यास? इनकी फिल्म ईद के बाद आ रही है। हाँ। तो मैं सोनिया को। वाह 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 बहुत आला। आयशा